हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितना होता है। वैसे हमने फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है इसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है और संकुलन क्षमता क्या होता है इसके लिए भी एक वीडियो बना दिया है। अब हमको ये देखना है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आपको याद दिला देते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होता क्या है। तो आप जानते हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होता है। एकक कोष्ठिका जो है किसी भी ठोस की संरचनात्मक इकाई होती है, किसी भी क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई होती है। तो ये हो गया आपका एकक कोष्ठिका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, ये घनीय एकक कोष्ठिका हो गया। हमको समझना है कि ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है। तो एकक कोष्ठिका के बारे में आप जानते हैं कि एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होता है वो कोने पर होता है। अवयवी कण कहाँ पर होता है? कोने पर होता है। अवयवी कण कोने पर होता है, ठीक है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, ध्यान देना, कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्रों पर होता है, कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्रों पर होता है। तो कोने पर तो हमारे कण है ही, साथ ही साथ वो फलक के केंद्र पर भी होने चाहिए। फलक मतलब एक फेस, इसके सेंटर पर एक कण, ऊपर वाला फेस उसके सेंटर में एक कण, लेफ्ट वाला फेस उसके सेंटर में एक कण, नीचे वाला फेस उसके सेंटर में एक कण, ठीक है, पीछे वाला फेस इसके सेंटर में एक कण, आगे वाला फेस इसके सेंटर में एक कण, ठीक है। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो ये आपका हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसी में हमको ये निकालना है कि ये जो अवयवी कण है आखिर ये संपूर्ण एकक कोष्ठिका का कितना भाग, कितना हिस्सा आयतन घेरते हैं। तो आपको पता है कि यदि 100 नंबर का कोई पेपर होता है और कोई बालक उसमें 80 नंबर पाता है तो हम लोग लिखते हैं 80/100, मतलब संपूर्ण, मतलब 100 में कितना पा रहा है, 80 पा रहा है। तो हमको ये निकालना है कि ये जो अवयवी कण है ये संपूर्ण एकक कोष्ठिका का कितना हिस्सा, कितना आयतन भाग कवर कर रहा है। इसका मतलब कि इन अवयवी कणों का हमको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। और वो अवयवी कण का आयतन कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और इस संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि हम 100 में कितना पा रहे हैं, 80 पा रहे हैं कि 90 पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं, मतलब कि संपूर्ण एकक कोष्ठिका का कितना भाग ये अवयवी कण घेर रहा है। अब बस उसमें 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो वही चीज़ परसेंटेज में निकल जाता है। जैसे कि 100 में कोई लड़का 80 नंबर पाया और उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, कितना पाया, तो 80% पाया। ठीक है, सिर्फ यही कंसेप्ट लगाना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि हमको क्या करना है कि अवयवी कण का मान, अवयवी कण का आयतन निकालना है कि ये अवयवी कण का टोटल आयतन कितना हो रहा है, और उसमें संपूर्ण आयतन से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस अवयवी कण का आयतन निकालने के लिए हमको अवयवी कण की त्रिज्या का जानकारी होना बड़ी जरूरी है। अवयवी कण का आयतन निकालने के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि जो अवयवी कण है वो गोले का आकार का है और गोले की त्रिज्या होती है, तो हमको हर हाल में पहले इसकी क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। और चूंकि आपका जो एकक कोष्ठिका है वो घनीय है और घन की भी एक भुजा होती है, तो यहाँ पर हम घन की भुजा को a मान लेंगे। ठीक है, घन की भुजा क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका की भुजा a तथा इसमें उपस्थित अवयवी कणों की त्रिज्या r है। हम यह मान लेते हैं कि
कि जो आपका एकक कोष्ठिका है इसकी भुजा कितना है, ए है, भुजा कितना है, ए है, और जो अवयवी कण उपस्थित है उसकी त्रिज्या कितना है, आर है। तो ध्यान दीजिएगा, हम फ्रंट का बना रहे हैं, फ्रंट एक दो तीन चार, फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ पर देखिए, फ्रंट वाला हिस्सा कुछ इस तरीके का बनेगा, और जो अवयवी कण है वो कहाँ कहाँ है, एक अवयवी कण यहाँ पर है, एक अवयवी कण यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और देख किसके कहाँ पर है, बीच में है, ठीक है। चूँकि अवयवी कण के बीच में इतना गैप होता नहीं है तो ये ओरिजिनल में दिखता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा हम केवल इस चीज़ को बना रहे हैं, यह वाला डायगोनल हम बना रहे हैं, फ्रंट वाला जो आपका ये वर्ग दिख रहा है, फ्रंट वाले वर्ग का डायगोनल पर के अणु को लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर तीन अणु को बनाएंगे, हम यहां पर तीन अणु को बनाएंगे, ठीक है, हम यहां पर तीन अणु को बनाएंगे, तीन अणु, यह केंद्र है, यह केंद्र है, यह केंद्र है, ये सामने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा वर्ग है ना, जो सामने वाला है, फ्रंट वाला जो फेस है, फ्रंट वाला फेस कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का फ्रंट वाला फेस है, कुछ इस तरीके का है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक बीच में केंद्र में है। तो हमको इस किनारे वाले की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, हमको जरूरत है केवल इसकी, ये वाला। अब अणु की त्रिज्या हम क्या माने हैं, जो हमारा अवयवी कण है उसकी त्रिज्या क्या माने हैं, आर माने हैं, ठीक है, आर मान लिया गया। और थोड़ा देखिएगा, इसको अगर हम मिला देते हैं तो इसी हमारे सेंटर पर तो अणु है, तो इसको मिला दिए हम तो ये हमारा कण का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। तो हमारा जो लंब है और ये जो आधार है, तो आधार भी ए है, लंब भी ए है, और हमको निकाल देना है कर्ण, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। चित्र के अनुसार, अगर हम चित्र के अनुसार देखें, चित्र के अनुसार, तो चित्र के अनुसार ध्यान दीजिएगा, जो ए सी है, चित्र के अनुसार जो ए सी है वो किसके बराबर है, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर बराबर 4R। तो जो AC का मान है वो 4R के बराबर है, क्योंकि जो हमारा ये वाला फ्रंट वाला आप हिस्सा देखेंगे, फ्रंट वाला हिस्सा, फ्रंट वाले हिस्से में चार अवयवी कण तो कोने पर हैं और ये कहाँ पर है, बीच में है, तो वही डायगोनल को हम यहाँ पर मिलाए हैं। कुल मिला के ये सारा तामझाम हम इस लेकर रहे हैं कि हमको R मिल जाए, R का मान कितना होगा वही हमको निकालना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो AC है, एसी वो आप देखिए रहे कि यहाँ पर आर 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 मतलब 4R के बराबर है, और जो एसी भुजा है ना वो इस समकोण त्रिभुज के लिए क्या है, वो कर्ण है। तो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम इस कर्ण को देखें तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं तो क्या होता है, कर्ण बराबर मतलब एसी, एसी बराबर, कर्ण मतलब एसी बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किस में, तो रूट में, लंब स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय, इन सब छोटे छोटे कैलकुलेशन को आप ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना हम डीप में तो यहाँ पर जाएंगे नहीं, हम ट्वेल्थ और नीट का पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ए सी का मान कितना आया है, 4R आया है, और आप देखेंगे तो ए स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा, तो 4R बराबर इसमें का ए बाहर निकल गया रूट टू, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना ए दो बार है, तो एक ए बाहर निकल जाएगा, और आर का मान देखेंगे तो ए रूट टू बटा फोर, ये निकल गया किसका मान, आर का मान, ठीक है, आर का मान निकल गया। तो त्रिज्या जो हम चाह रहे थे वो त्रिज्या हमको मिल चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको निकालना है पूरे जो अवयवी कण इसमें है, एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है उसका हमको अवयवी कणों का आयतन निकालना है, कि आखिर ये देखें कि इस एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है उसका आयतन कितना है, ठीक है। तो उस अवयवी कण के आयतन के लिए हमको इस चीज को मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा दे रहे हैं यहां पर। अब देखिए, तो अवयवी कण का आयतन निकालने जा रहे हैं, तो पहले हम ये निकालते हैं कि इसमें अवयवी कण कितने हैं,
अवयवी कणों की संख्या। तो अंतः केंद्रित एकक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि आठ अवयवी कण तो केवल कोने पर होते हैं, जिसमें उसका योगदान होता है 1/8। कोने पर स्थित अवयवी कणों का योगदान 1/8 होता है। तो ऐसे ऐसे कितने योगदान करने वाले हैं? 8 हैं। और इसमें 6 फलक हैं, साइड के 2, ऊपर नीचे के 2, आगे पीछे के 2, 6 फलक हैं। और 6 फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण हैं। तो फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होता है उसका योगदान 1/2 होता है। ये हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ा दिया है। तो 1/2, तो ऐसे ऐसे 6 कण हैं जिनका योगदान 1/2 है। ध्यान दीजिएगा, 6 कण ऐसे हैं, ये जो इसके फलक पर आप देख रहे हैं, 6 कण ऐसे हैं जिनका योगदान 1/2 है। 8 कण ऐसे हैं जिनका योगदान 1/8 है। तो वही चीज यहां पर लिखा जाएगा, अवयवी कणों की संख्या बराबर 1/8 योगदान वाले 8 कण प्लस 1/2 योगदान वाले 6 कण। तो 8 से 8 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 1, यहां पर हो गया 3, कुल मिलाकर कितने अणु हो गए? 4। कितना हो गए? 4। ठीक है, मतलब कि अंतः केंद्रित फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण की संख्या कितना हो गया? 4। मतलब जो हमको आयतन निकालना पड़ेगा वो 4 कणों के बराबर आयतन निकालना पड़ेगा, कि 4 कणों का आयतन कितना होता है। तो यहां पर लिख देते हैं, एक बार थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ले हम, ठीक है, ओके। तो लिखेंगे अवयवी कणों का कुल आयतन, कुल आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन। भाई इसमें 4 अवयवी कण है, और अगर आप गिनेंगे तो इसमें 8 अवयवी कण कोने पर और 6 अवयवी कण फलक पर, था 8, 6, 14 अवयवी कण दिखाई देंगे। लेकिन उन 14 अवयवी कणों का योगदान इस एकक कोष्ठिका में नहीं है, उसका कुछ कुछ हिस्सा ही योगदान है। जैसे जो कोने पर अवयवी कण है उसका योगदान मात्र 1/8, उसका योगदान मात्र 1/8, और जो फलक पर है उसका मात्र 1/2 है। तो इस प्रकार से ये 14 कण मिल करके मात्र 4 कणों के बराबर अपना योगदान दे रहे हैं, मात्र 4 कण के बराबर। तो जब अवयवी कणों का कुल आयतन निकालेंगे तो हम 4 कण का ही आयतन निकालेंगे। तो एक कण का आयतन होता है 4/3 πr³ और × 4, क्योंकि यहां पर 4 अवयवी कण है, निकाला जाए 4/3, ठीक है, 4/3, इस 4 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 × 16, ठीक है, पाई का मान 3.14, आर का मान देख लीजिए, आर का मान √2/4 आर का मान है √2/4, और इसका क्यूब है भाई, देख लीजिए ध्यान से, इसका क्यूब है। तो 16/3 × 3.14 पाई वाला मान हो गया, a का क्यूब होगा, और √2 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, √2 × √2 × √2, तो √2 √2 हो जाएगा, और यह √2 हो गया, मतलब कि √2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2√2, और बटा 4 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4 × 16 16 × 64 मिलेगा। अगर कुछ कटने वाला है तो कटा सकते हैं, तो 16 × 16 16 × 64, और 2 × 2 2 × 4 कैंसिल, और 2 से कटाएंगे तो कट जाएगा यहाँ पर भी, 2 × 2 2.5 और 2 × 7 14। तो यहाँ पर कुल मिला के देखिए क्या क्या बच रहा है, 1.57 ऊपर बचा, यहाँ √2 बचा, यहाँ 1³ बचा, और बटा नीचे 3 बचा है, ठीक है, 3 बचा है। ये आपका हो गया अवयवी कण का आयतन। ये किसका निकला? ये निकला अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन। तो ये तो वो आयतन है ना जो अवयवी कण घेर के रखा है, लेकिन आखिर कितना में घेर कर रखा है, इसके लिए हमको एकक कोष्ठिका का आयतन निकालना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, चूंकि एकक कोष्ठिका घनीय है और घन का आयतन होता है 1³, इट इंप्लाइज दैट संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। अब यहां पर ध्यान देना है,
संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता में क्या है, कुल आयतन कितना है, कुल आयतन है ए क्यूब, और उस कुल आयतन का कितना कितना भाग ये अणु घेर रहा है, इसके लिए कुल आयतन है ए क्यूब, ये पूरा आयतन है कितना ए क्यूब, लेकिन उसमें अणु का आयतन कितना है, तो अणु का आयतन ध्यान दीजिएगा 1.57 रूट टू ए क्यूब बटा 3 है, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, क्या बचा 1.57 रूट टू का मान होता है 1.414 बटा 3 हो गया, और आप जानते हैं कि संकुलन क्षमता में 100 का गुणा भी होता है, तो जैसे ही 100 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे 1.57 में, तो 157 हो जाएगा, 157। अब वो कुछ करना नहीं है, बस 3 से क्या कर देना है, भाग करना है, और 3 से भाग करके गुणा कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि 157 गुणे 1.414 जब आप गुणा करेंगे तो ये जानते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा 221.998 आ जाएगा। 157 का जब 1.141 में गुणा करेंगे, यहाँ से 157 देखिए 100 से गुणा किए हैं तो 157 हो गया है, और रूट टू का मान होता है 1.414 और नीचे बटा 3 है, तो ऊपर ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 221.998 और भगा हो गया 3। अब 3 से थोड़ा भाग कर दीजिए, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 सते 21 एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा तो 11 होगा, और 3 तरीके 9 तो 2 बचेगा, दशमलव के बाद से 9 उतर जाएगा, और 3 सते 21 3 नवा 27 फिर 2 बचेगा, फिर 3 नवा 27 फिर 2 बचेगा, 8 उतरेगा, तो ये 73.99 के आसपास आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लगभग कितना है, तो 74% है, मतलब कि जो आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है उसमें जो अवयवी कण है वो इस एकक कोष्ठिका का जो आयतन है उस आयतन का आयतन में 74% हिस्सा अवयवी कण क्या कर चुके हैं, घेर चुके हैं, और जो बाकी जो बच रहा है लगभग 26% हिस्सा जो रिक्त स्थान है, आप यहाँ निकाल सकते हैं रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कितना है, तो 100 - 74 ये आपका 26% हिस्सा क्या है उसमें रिक्त है, ठीक है। मतलब कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है कोने पर या उसके फलक पर जितने भी अवयवी कण है सब मिला के उस एकक कोष्ठिका का 74% हिस्सा घेर चुका है, कवर कर चुका है, तो उसकी संकुलन क्षमता कितना हो गया 74%, क्योंकि उतना हिस्सा वो घेर ले रहा है, और रिक्त हिस्सा कितना है, रिक्त स्थान कितना है, तो मात्र 26% है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों का संकुलन क्षमता का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग ठोस में जो क्रिस्टलीय दोष होता है, ठोस में कौन कौन से दोष होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।